नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर आपको निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन माप में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। नई वीडियो देखने के लिए नीचे कॉमेंट करें, चैनल की प्ले लिस्ट पर विजिट करें। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, पहले समझो, आपका जो दोस्तों पाई रेडियन होता है वो बराबर होता है आपका 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक डिग्री का मान निकालो। देखो इसको मुझे एक बनाना है 180 को, तो मैं क्या करूँ, इसमें 180 का डिवाइड कर दूँ, यानी इसके बोथ साइड 180 का डिवाइड करने पर 180 बाई 180 कितना 1 आ गया, और ये किसमें डिग्री में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई आपका 180 आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका एक डिग्री बराबर रेडियन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर हम इसका एप्लीकेशन काम में लेंगे। देखो यहाँ चूंकि एक डिग्री बराबर कितना, पाई बाई आपका 180 रेडियन। देखो किसको कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री को रेडियन में। तो यहाँ एक को 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये आपका जो इक्वेशन, यानी जो बराबर के साइड में इस प्रकार की टर्म दे रखी है उसमें दोनों साइड गुणा होता है, यानी इस साइड भी आपका गुणा होगा। या ऐसे समझ लीजिए जो वैल्यू दे रखा है उसको एक डिग्री बराबर जो रेडियन है उससे गुणा करना है। जैसा आपको समझ आए वैसा समझिए, लेकिन समझिए जरूर। अब आपको क्या करना है, पाई को तो पाई रहने देना, बाकी जो है उनको काटना है। तो देखो ये 5 से आपका कितनी, 5 बार कट जाता है, ये 5 से दोस्तों आपका 3 बार कट गया, उसके बाद आपका 30 आ गया और 6 बार कट गया, ठीक है। यानी कितना आ गया आपका, 5 पाई बाई 36 आ गया इसका वैल्यू, ओके। एक काम पूरा हो गया। अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा, इसके 240, तो हम लिखेंगे चूंकि एक डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो यहां पे 240 डिग्री बराबर 240 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा, ओके। यहां देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24, 6 3 18 कितना, 4 पाई बाई 3 आपका है जो यहाँ रेडियन वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, 4 पाई बाई 3 आ गया, किसमें, रेडियन में। अब दोस्तों बात करनी है किसकी, हमें यहाँ पे इसकी बात करनी है 520 की। तो देखो 520, तो हम लिखेंगे चूंकि एक डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, तो 520 मल्टीप्लाई, देखो डिग्री का चिन्ह हट जाएगा जब हम ये रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो ये 2 से कितना, 9 बार कटता है, ये 2 से आपका कितना, 2 और 6 26 बार कटता है, यानी 26 पाई बाई 9 आपका इसका है जो लास्ट का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होता है। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी में चैप्टर त्रिकोणमितीय फंक्शन, इस वीडियो को पूरा देखिए। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल प्ले लिस्ट पर विजिट करें। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। समझना होगा आपको सर्वप्रथम पाई रेडियन बराबर आपका होता है 180 डिग्री, इसके बोथ साइड पाई का डिवाइड करो तो आपका एक रेडियन बराबर कितना बन जाएगा आपका 180 डिग्री बाई 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। देखो यहां पर एक समझने लायक बात है या याद रखने लायक बात यह है कि जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो एक रेडियन का वैल्यू निकालो, जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो एक डिग्री का वैल्यू निकालो, ओके। तो यहां पर देखिए हम अपना
इस एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कितना दे रखा है, 11/16 दे रखा है। किसमें है आपका, रेडियन में है। अब देखो बराबर ये किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर मैं नीचे लिख के बताता हूँ। देखो इसको आप ऐसा समझिए, यहाँ लिखिएगा, क्योंकि एक रेडियन बराबर आपका होता है 180/π डिग्री। अब ऐसे समझो, इसको वो साइड यदि मैं 11/16 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1/11/16 यह बन जाएगा आपका, और यहां पर आपका मल्टीप्लाई होगा और ये दोस्तों किस में है आपका, देखो डिग्री में है। तो हमने आसानी से एक सिंपल सा स्टेप काम में लेते हुए अपने रेडियन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। अब जो आगे कैलकुलेशन है ना, वो दोस्तों यहां पर क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। आगे की कैलकुलेशन करते हैं। देखो आपको यहां पर पाई बराबर कितना पुट करना है वो समझिए, ये आप भूल जाइए एक बार। यहां पर पाई बराबर आपको अब पुट करना है डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद 22/7। तो यहां पर पाई बराबर हम 22/7 पुट करेंगे। और ध्यान रखना, डिग्री में जब हम लिख रहे हैं तो पाई का मान ये लिख कर ही लिखना है, क्योंकि रेडियन में देखो पाई रहेगा लेकिन डिग्री में पाई आपको हटाना ही है, ऐसा समझिए, पाई नहीं रहेगा डिग्री में। तो यहां पर पाई का मान मैं 22/7 रखूंगा। इसी के साथ देखिए हम साइड में थोड़ा काट पीट भी देते हैं तो सही रहेगा। ये आपका देखो 4 से कितना 4 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, ये 416 और 520 कितना 45 टाइम कैंसिल हो गया। और यहां पे इसको है जो ऐसे लिख दे, यहां पर कितना 4 टाइम 22 का पाई का मान कितना आएगा 22/7, और डिवाइड में जो 7 होता है दोस्तों आपको ऊपर आ जाता है। देखो 11 से ये कितना टाइम कैंसिल हो गया आपका, 2 टाइम कैंसिल हो गया, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35, 3 कैरी चला गया, 28 × 3 आपका 31 आ गया, नीचे कितना आ गया 4 × 2 = 8 आ गया। अब ये तो आपका डिग्री में आया है, इसको क्या ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें एक सिंपल सा इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहां अपना कैलकुलेशन करता हूं। देखो 8 का इस पे आप डिवाइड करो, 8 का हम डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए 3×8 = 24, 4×8 = 32 होता है, 3×8 = 24 आ गया, और यहां पर आपका 11 और 7 आ गया। ठीक है, यहां देखो ये आपका 5 यहां लाएंगे, 9×8 कितना होता है आपका दोस्तों 72 होता है। ठीक है, माइनस किया कितना 3 आ गया सेंस पर। तो ये आपका जो कंप्लीट डिवाइड हुआ इसको यहां लिखो, ये तो किसमें डिग्री में। आपके पास रिमाइंडर कितना है दोस्तों, यहां पर रिमाइंडर आया है 3, और ये किससे डिवाइड किया आपने, 8 से। यहाँ पर एक समझने लायक बात है, देखिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब यह बात समझ आएगी, अभी मैं जो बता रहा हूं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका एक डिग्री होता है उसमें होते हैं दोस्तों आपके 60 मिनट। तो अब इसको हम है जो ऐसा नहीं रहने देंगे, यह किसमें डिग्री में है, यह भी इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, अपना मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको 60 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, क्या किया दोस्तों, 60 से गुणा किया तो अब ऊपर कितना बन गया, 6 × 3 = 18, 180 बन गया। 180 में मुझे 8 का डिवाइड करना है तो 1×8 = 82 माइनस किया 2 आ गया, 1×8 = 82 माइनस किया कितना 4 आ गया। ये कितना आ गया दोस्तों कंप्लीट डिवाइड करने पर आपका 22, और ये किसमें है दोस्तों आपका, इसमें है मिनट में। अब रिमाइंडर कितना आया है आपका, 4 आया है 8, ये किसमें पूरा मिनट में। अब देखो यहां पर इसको फिर ऐसा ही नहीं छोड़ना, फिर इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आपका जो एक मिनट है वो बराबर होता है 60 सेकंड के, यानी इसको हम किसमें काउंट कर देंगे, सेकंड में। अब देखो ये 4 से कितना 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, और ये आपका 2 से कितना
30 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू आ गया 39 degrees 22 minutes and 30 seconds. ओके, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो यहां पर इसका आपका आंसर क्या आया दोस्तों, 39 degrees 22 minutes and 30 seconds. अब हम इसकी बात करेंगे अपने फोर की। ओके, अब आपको समझ आ गया है कि ऐसे करना है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, तो इसको हम देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में काउंट करने के लिए रेडियन को 180 बाई पाई से गुणा करेंगे, और पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। यहां पर 2 से ये इतना टाइम, ये आपका इतना टाइम कैंसिल हो गया। अब इनका ऊपर गुणा करते हैं। देखो यहां पर 0 7 56 5 कैरी चला गया, 7 5 12 इसको 2 से गुणा करते हैं, 0 6 2 12 1 कैरी चला गया, 5 आ गया, 2 आ गया, और आगे माइनस चिन्ह आपका रहेगा। अब देखो इसमें 11 का भाग देते हैं, ठीक है, कितना आपका 11 2 22 आ गया, माइनस किया 3 आ गया, अगेन 11 2 22 माइनस किया 10 आ गया। देखो 2 को यहां ला चुका हूं, अब इसको मुझे यहां लाना है, 11 नक्का कितना होता है 99, माइनस किया आपका 1 आ गया, यानी ये आ गया दोस्तों आपका -229 degrees। और देखो माइनस है तो ये भी माइनस का रहेगा, यहां पर ये बात ध्यान रखने योग्य है, कितना रिमाइंडर 1 आया है बाई 11, ये डिग्री में इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो मल्टीप्लाई 60, अब देखिए यहां पर 60 में जब हम 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 टाइम आ जाएगा और 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां पर आपका ये बन गया, और 5 मिनट और माइनस 5/11, और ये कितना गुणा 60 इसमें सेकंड में आ जाएगा। तो यहां पर कितना बन गया दोस्तों आपका, 300 मैं आपने डिवाइड किया, 2 टाइम चला गया, 22 आ गया, यहां पे माइनस किया 8 80, 7 टाइम चला गया, कितना 77 आ गया। उसके बाद देखो फिर माइनस किया, और ये ऐसे देखो फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे करके ये रिपीट होता रहेगा। तो यहां पर हम इसको इतना ही करेंगे, ये आ गया आपका 5 मिनट और 27 सेकंड। ओके, इस वैल्यू को है जो मैं यहां पर लिख देता हूं, -229 degrees and 5 minutes 27 seconds। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो देखो अब ये तो बहुत आसान है, यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसको हम किससे गुणा करेंगे, 180 बाई पाई से गुणा करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से 60 बार कैंसिल हो गया, गुणा किया कितना 300 डिग्री आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना है आपका 300 डिग्री है। सेम सेम इसकी बात करेंगे, 7π/6 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, ये आपका पाई कैंसिल हो गया, कितना 30 बार कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया 210 डिग्री आ गया। ओके, तो इस प्रकार से यह जो हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट सॉल्व किया, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, और आपको यहाँ पर ज्ञात करना है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा पहले उसको लिखते हैं। और इसी के साथ परिक्रमण का मतलब क्या होता है, परिक्रमण का मतलब होता है दोस्तों आपका एक पूरा घूमना। तो यहां पर जैसे ही आपका 1 मिनट होता है
उतने टाइम में पहिया कितनी बार घूम जाता है दोस्तों? 360 बार घूम जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि एक मिनट की जगह आप यदि एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में ये कितना कोण बनाएगा, कोण की बात की है। ओके, तो इसको देखिए हम कुछ लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखते हैं, पहिए द्वारा एक मिनट में परिक्रमण बराबर कितना, 360। तो देखो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने परिक्रमण हो गए, 360 हो गए। तो एक सेकंड में परिक्रमण कितने होंगे, दोनों साइड 60 का डिवाइड कर दो, यहां 60 डिवाइड 60 कितना होंगे, एक हो गया। यहां 360 डिवाइड 60 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पे ये लिखो आप, एक सेकंड में परिक्रमण बराबर क्या आएगा, 360/60। कैसा आया मैंने यहां पे बता दिया। ओके, बराबर कितना आपका, 6। चूंकि एक परिक्रमण में पहिए द्वारा, देखो पहिए द्वारा बनाया कोण बराबर कितना दोस्तों, 2π। जब एक परिक्रमण होता है ऐसे तो उसमें दोस्तों कितना एंगल बनता है आपका, यहां से यहां तक का जो एंगल है पूरा एक परिक्रमण में वो कितना आपका, 2π बनता है। ओके, ये मैंने लिख दिया। तो यहां पे एक सेकंड में पहिया कितना परिक्रमण करता है, 6 परिक्रमण करता है। तो यहां पे 6 परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाया कोण 6 से गुणा हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो कितना आ गया दोस्तों आपके पास, 12π आ गया। तो लास्ट में लैंग्वेज लिख देना, अंत है पहिया एक सेकंड में कितना, 12π। 12π, और ये किसमें है दोस्तों, रेडियन में है, ध्यान रखना। एक परिक्रमण में कितना कोण बनता है, 2π रेडियन बनता है। ये जो 2π है ना ये रेडियन में है, तो यहां लिख सकते हैं रेडियन 12π, यहां लिख रहा हूं देखो 12π रेडियन माप। ये दोस्तों लैंग्वेज लिखना इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट का लैंग्वेज है ना ये इंपॉर्टेंट है, रेडियन माप कोण, रेडियन माप का कोण बनाएगा। ओके, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाता है। नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर त्रिकोणमितीय फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट करें, चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सुरेंद्र खिलेरी की 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, समझ आ गया? यहाँ पे कोण किस में पूछा है, इसने डिग्री में पूछा है। तो दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देखिए मैंने यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख दिया है कि चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा कोण होता है, और ये कोण यहाँ पे किस में रहता है दोस्तों, रेडियन में रहता है। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ देखो इसने चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 22 सेमी लंबाई की चाप, L बराबर कितना, 22 सेमी। ओके, और त्रिज्या को किससे लिखते हैं दोस्तों, R से लिखते हैं, थीटा को कोण को किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। और त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों इसने,
आर बराबर आपका 100 सेमी दे रखा है, ओके। और यहां पर ज्ञात क्या करना है, थीटा आपको ज्ञात करना है, वो भी किस में, डिग्री माप में इसने पूछा है। तो यहां पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, लंबाई कितनी है 22 सेमी दे रखी है, त्रिज्या कितनी आपकी 100 सेमी है, कोण थीटा, ओके, किसमें है ये आपका रेडियन में है, ओके। मैं क्या काम करता हूं, इसको इस साइड ले आता हूं 100 को। तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में होता है जब उसका साइड चेंज किया जाता है तो वो किस में आ जाता है दोस्तों, डिवाइड में आ जाता है, और ये किस में है, रेडियन में है। हमें यहाँ पे किस में वैल्यू चाहिए दोस्तों, डिग्री माप में वैल्यू चाहिए। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, देखो आपका जो एक डिग्री है वो होता है दोस्तों पाई बाई आपका 180। इसको देखो हमें क्या चाहिएगा, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर एक रेडियन का वैल्यू चाहिएगा। एक रेडियन बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 180 बाई पाई डिग्री होता है, ओके। तो यहाँ पर इतने रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, इसको हम इस डिग्री वैल्यू से, एक रेडियन का जो डिग्री वैल्यू है उससे गुणा कर दें। इसी के साथ ध्यान रखना, अब ये एंगल पूरा किस पे बदल चुका है आपका, देखो डिग्री में बदल चुका है, और डिग्री में बदलने के बाद हम पाई का जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे दोस्तों 22/7, ओके। तो यहाँ पाई का वैल्यू मैं रख देता हूँ 22/7, ये आप गांठ बांध दो कि डिग्री में एंगल आ चुका है, तो पाई का वैल्यू रखना है 22/7। पाई कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू रखना ही पड़ेगा। और ये जो डिवाइड 7 है आपका ऊपर आ जाएगा, यहाँ देखो 22 से 22 आपका कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दो आप, या ऐसा करो देखो ये आपका 2 से कितना 5 टाइम कैंसिल होता है, ये 2 से कितना दोस्तों आपका 9 टाइम कैंसिल होता है, 9 × 7 आपका 63 आ गया, और बाई कितना है 5, और ये किस में है, डिग्री में। क्या दोस्तों इसको यहाँ तक छोड़ना है, नहीं इसको आगे सोल्व करना है, देखो इसको आगे मैं है जो यहाँ सोल्व करता हूँ, आगे सोल्व करें, देखिए इसमें हम 5 का डिवाइड करें तो आपका कितने टाइम कंप्लीट होगा, 1 टाइम, ठीक है, माइनस किया 1, 3 आ गया, 2 टाइम कंप्लीट हो गया, कितना आपका 3 रिमाइंडर आ गया, यानी, और ये किस में 12 डिग्री प्लस रिमाइंडर कितना 3/5, और ये किस में डिग्री। अब ये जो डिग्री है इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जो इस प्रकार से एक्स्ट्रा आती है उसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे, 60 से गुणा करते हैं, और मिनट का साइन आपका ये रहता है। अब देखो 5 से ये कितना आपका 1 टाइम 2 टाइम कैंसिल हो गया, 12 कितना होता है 36 होता है, यानी 12 डिग्री और 36 मिनट है जो आपका कोण आ गया, ओके। तो ये रहता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर त्रिकोणमितीय फंक्शन। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे कमेंट करें, चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। यहाँ पर एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना चाहिए, उसके बाद उसको सोल्व करना चाहिए, यानी हमें यहाँ पर प्रत्येक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए ये आपका मैंने एक सर्कल बना दिया, इसका व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर क्या होता है दोस्तों, जब सेंटर से गुजरता हुआ कोई एक इस प्रकार का लाइन इसके यहाँ पे दोनों सिरों को टच करें तो ये आपका क्या बनता है, व्यास बनता है, जो कि हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी डायमीटर कितना दोस्तों 40 सेंटीमीटर दे रखा है, दिया है, ऐसा करके यहाँ लिख देना है।
या आपका व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ध्यान रखें कितनी आ गई, 20 सेमी आ गई। ओके, यह काम हो गया। उसके बाद इसने एक चीज और बोली है, एक जीवा। जीवा क्या होती है, होती ऐसी लाइन ही है जो कि व्यास की तरह ही दिखती है, यानी डायमीटर की तरह ही दिखती है, लेकिन आपका वो सेंटर से नहीं गुजरती है। तो ये हमने यहाँ पे कोई एक जीवा ले ली, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर जीवा आपको कितनी दे रखी है, जो कि हमने यहाँ पर किए क्या लिया दोस्तों, इस चित्र में ए बी ली है, कितना, 20 सेमी दे रखी है। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसने क्या कहा है, तो इसके संगत छोटे चाप, इसके संगत कौन सा चाप हुआ, ये आपका इसके संगत चाप हुआ दोस्तों। इसने किसकी बात की, चाप। चाप क्या होता है, यहाँ पे ये आपका परिधि का एक कटा हुआ भाग, जैसे यहाँ पे जिन्हें मार्कर चलाया, नहीं, ये आपका चाप, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चाप की लंबाई हम कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमें पता हो कि यह चाप आपका केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा हो। तो हमने मान लिया कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। अब इस कोण को हमें यहाँ पर पहले पता करना है। ओके, समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए कि चाप ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए। खुद से क्वेश्चन पूछे, त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमें मिल गई है कितना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का दोस्तों क्या कहते हैं, सेंटर से लेके इसके किसी बिंदु तक की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या मिल गई। और दूसरा क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो एंगल मिल जाएगा। देखो इसकी ए बी की लंबाई कितनी है, 20, यह भी 20 है, यह भी 20 है, यह भी 20 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ये आपका समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, इसका प्रत्येक कोण कितना है, 60 डिग्री, यानी आपका थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें देखो आपका ए ओ बराबर ओ बी बराबर आपका बी ए कितना है, 20 सेमी है, यानी इसके सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री आ गया। या यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हैं आप, क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं दोस्तों, यह लैंग्वेज लिख सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, अर्थात थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। और दोस्तों ध्यान क्या रखना है, यहाँ वो जो एंगल चाहिए वो हमें किस में चाहिए, रेडियन में, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर दें। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि एक डिग्री बराबर कितना होता है आपका, पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं है जो 60 डिग्री को पाई बाई 180 से गुणा करूँगा तो ये किस में हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये इससे कितनी बार कट गया, 3 बार, यानी पाई बाई 3 आपका रेडियन इसका है, जो एंगल आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया। ओके, थीटा मैंने यहाँ पर ये एंगल शो कर रखा है। तो अब हम जानते हैं कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि चाप की लंबाई L बराबर क्या होती है दोस्तों, आपकी त्रिज्या गुणा केंद्र पर कोण होती है, चाप का केंद्र कोण, चाप का केंद्र पर कोण होती है। तो इस चाप का केंद्र पर कोण कितना लिया दोस्तों, हमने थीटा लिया, इसको थीटा लिख दो। और ये कोण ध्यान क्या रखना है, किस में लेना होता है, रेडियन में लेना होता है, बस इस बात को ध्यान रख लो। त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर 20 सेमी दे रखी है। और ये कोण कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने निकाला है, पाई बाई 3 आया है। तो आपका चाप की लंबाई कितना आ गया, 20 पाई बाई 3, और यह देखो किस में आएगा, सेमी में। सेमी में क्यों आया, क्योंकि आपकी त्रिज्या किस में है,
यहाँ पर देखो सेमी में है, यदि ये मीटर में होती तो ये किस में आ जाता, मीटर में आ जाता। ओके, लास्ट में लाइन लिख देना अंत है जीवा के संगत चाप की लंबाई कितने निकली है दोस्तों, बराबर आपकी 20π/3 सेमी निकली है। यही आपका क्वेश्चन है जो कि अभी हमने सोल्व किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फंक्शंस। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। इसमें यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60° तथा 75° के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का रेशियो ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, रेडियस का रेशियो ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमने मान लिया, माना वर्तों की त्रिज्याएं कर्मशः क्या है R1 तथा R2 है। ओके, ये हमने त्रिज्याओं को मान लिया। प्रथम वृत्त के चाप की लंबाई, प्रथम वृत्त के चाप की लंबाई बराबर R1 गुणा, और इसके साथ हम यह भी मान लेते हैं वह वर्तों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 वह कोण चाप द्वारा बनाया गया कोण या केवल कोण θ1 तथा θ2 है। ओके, तो यह आएगा आपका, देखो हमें R1 का पता नहीं है लेकिन θ1 कितना दे रखा है, यहाँ पर देखो आपका 60° दे रखा है। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इसको हमें यहाँ जो एंगल काम में लेंगे डिग्री में नहीं लेंगे, उसको किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलकर काम में लेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, π/180 से गुणा करना होता है, और ये देखो R1 आपका जैसा है वैसा, ठीक है। अब दूसरे वृत्त की बात करते हैं तथा दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई, दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी, R2 गुणा θ2, ठीक है। R2 का हमें यहाँ पर पता नहीं है लेकिन θ2 कितना दे रखा है आपका, 75° दे रखा है, और यहाँ पे इसको किस में काम में लेना है दोस्तों, रेडियन में कन्वर्ट करके काम में लेना है। ओके, अब प्रश्न अनुसार आपका क्या है, प्रश्न अनुसार इसको देखो, इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 है, यानी दोनों वर्त के जो चाप है उनकी लंबाई समान है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो वर्तों के समान लंबाई वाले चाप। ओके, यानी वर्त फर्स्ट प्रथम का जो चाप की लंबाई है वो बराबर है दूसरे वर्त के चाप की लंबाई के, यानी इक्वेशन 1 और आपका 2 इक्वल टू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हम दोनों को इक्वल टू कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना है आपका 60π/180 मल्टीप्लाई R1 या R2 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई π/180। तो देखो दोनों साइड ये है, तो ये तो आपका उड़ गया। अब हम क्या करते हैं, R2 को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो R2 यहाँ आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड में आ जाएगा। इसी के साथ यह यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको जब मैं दूसरी साइड लेकर आऊँगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, यानी आपका कुछ ऐसा कुछ बन जाता है।
अब देखो यहाँ पर हम काटना शुरू करते हैं, ये 5 से कितना टाइम कैंसिल आउट होता है, 1 टाइम और 2 टाइम कैंसिल आउट होता है। ये आपका 5 से देखो कितना, 1 टाइम, ठीक है, उसके बाद 5 टाइम कैंसिल आउट होता है। अगेन देखो ये दोनों 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम और ये 3 से आपका 4 टाइम, 4/5 आ गया, किसके बराबर, आर वन बराबर, आर वन बाई आर टू बराबर कितना, 4/5 आ गया। ओके हमें क्या चाहिए यहाँ पर, रेशियो चाहिए, तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, ऊपर है जो उसको, यहाँ आर वन पहले लिया है तो उसको पहले लिखना है, आर टू को बाद में लिया है तो उसको बाद में लिखना है। यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे अंतर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बराबर कितना है, 5:4 है। बस यही आपका छोटा सा क्वेश्चन है जो कि अभी हमने सोल्व कर लिया। ये रहा दोस्तों आपका आंसर 5:4, ओके, जो कि मैंने यहाँ पर अपना फाइंड किया है। धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 चैप्टर त्रिकोण मेट्रिक फंक्शन, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर करना क्या है, पहले उसको बात को समझते हैं। यहाँ पर 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए इसने कंडीशन क्या दे रखी है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, यानी यहाँ पर आपको इसके 3 आंसर निकालने होंगे। देखो इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर आपका जो एक दोलायमान दोलक होता है वो किस में दोलन करता है दोस्तों, एक वर्ताकार पंथ पर दोलन करता है, तो वो इस प्रकार से दोलन कर रहा है और उसकी ये जो लंबाई है वो कितनी है, 75 सेमी है। अब देखो पहली कंडीशन में जब उसने दोलन किया तो यहाँ से यहाँ तक गया वो, तो उसने कितना चाप काटा आपका, 10 सेमी चाप काटा। तो अब जब 10 सेमी चाप काटा उसने, तो यहाँ पे इस दौरान उसने कितना एंगल बनाया वो हमें ज्ञात करना है। ओके समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे। देखो दोलायमान दोलक की लंबाई बराबर कितनी है, 75 सेमी। यहां पर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, चाप की लंबाई बराबर कितनी है, 10 सेमी है। ओके यहां पर आप पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेमी है। दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि चाप की लंबाई सूत्र, चाप की लंबाई बराबर आपका यहां पर होता है त्रिज्या, ठीक है, ऐसे समझिए। यहाँ पे ये आपका दोलक है, ये इसका सुई है, ये यहाँ से यहाँ आया, इसने कितना चाप काटा, 10 सेमी का चाप काटा। ओके यहाँ पे एंगल कितना बनाया, थीटा, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल। तो यहाँ चाप की लंबाई या इसकी लंबाई को आप L1 मान लो और चाप की लंबाई को एल ले लो। जो चाप की लंबाई है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर ये वृत्त की रेडियस होती है, जबकि यहाँ रेडियस की जगह हम किसको यूज़ कर रहे हैं,
उसकी आपके दोलक की लंबाई को यूज कर रहे हैं। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे चाप की लंबाई बराबर दोलक की लंबाई मल्टीप्लाई आपका कोण, और ये कोण किस में आएगा दोस्तों, आपका रेडियन में ही आएगा। ओके, ध्यान रखना। तो यहाँ चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेमी दे रखी है, और दोलक की लंबाई आपको कितना दे रखा है दोस्तों, 75 सेमी दे रखी है। तो कोण आपका ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करें दोस्तों, इसको दूसरी साइड लेकर आ जाएं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आकर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट काम में लेना है, कितना दो बार कट गया, यह कितना आपका एक बार कट गया, पांच बार कट गया, यह आ गया दोस्तों आपका रेडियन माप। ओके, फर्स्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट कंडीशन का। सेकंड कंडीशन लेते हैं देखो। ओके, ये आप चित्र है जो साइड में बना देना। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में देखो आपका यहाँ पर यह थीटा है, ये एल वन है, इसको देखो थीटा वन ले लो, इसको थीटा टू ले लो, ऐसा लेंगे तो सही रहेगा। और यहाँ पर ये जो लंबाई है चाप की वो कितना दे रखा आपका, 15 सेमी दे रखा है। इसको नाम दे दो तो भी सही रहेगा, ए बी दे दो। ओके, इस चाप को नाम ए बी दे दो। तो यहाँ पर अगेन वही सेम सूत्र लगेगा, सूत्र से कितना सेमी लिया गया है, चाप का लंबाई 15 सेमी लिया गया है। ओके, और आपका यहाँ पर दोलक की लंबाई कितनी है, 75 है, और थीटा की जगह हमने क्या लिया, थीटा 2 लिया है, या आप कोण लिख सकते हैं। ओके, तो कोण थीटा 2 बराबर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। देखो 15 से ये कितना बार कटता है आपका, 15 एक 15, 15 ती ती 45 चौका 8 पाण 75, पांच बार कटता है। तो आपका कितना आ गया, कोण थीटा 2 बराबर 1/5 रेडियन आ गया। ओके, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और समझने लायक बात क्या है कि इस फॉर्मूले में जो कोण आपका यूज होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है, यह बात इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। इस समय देखो आपका यह कोण तो कितना है, थीटा 3 ले लेते हैं इसको, यह लंबाई एल वन लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर एल वन, ठीक है, चाप की लंबाई को हमने एल लिया है। एल बराबर अब की बार इसने कितना, 21 सेमी लिया है। ओके, तो सूत्र से आपका 21 सेमी बराबर यहाँ दोलक की लंबाई कितना है, 75 है, और थीटा 3 कोण कितना लिया हमने, थीटा 3 लिया है। तो यहाँ पर कोण थीटा 3 देखो ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड किस में आ जाएगा, ये भी देखो सेमी में, डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर सेमी नीचे सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये आपका 3 से कितना, 7 टाइम कैंसिल आउट होता है, ये 3 से कितना, 25 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, और ये किस में है, रेडियन में। ये आपके यहाँ पर है जो तीनों आंसर आ जाते हैं। देखिए आंसर चेक करा देता हूँ, पहला आंसर कितना है, 2/15, ये रहा 2/15, उसके बाद कितना, 1/5, ये रहा 1/5, उसके बाद कितना, 7/25, ये रहा आपका दोस्तों 7/25। ओके, आंसर कन्फर्म कर दिया। बस आपको क्या याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है और इस क्वेश्चन को ठीक से समझना है। इस क्वेश्चन में समझने लायक बात क्या है, यही समझने लायक बात यह है कि आपका एक जो दोलक होता है आपने फिजिक्स में किया होगा, वो आपका किस पथ पर दोलन करता है, वर्ताकार पथ पर दोलन करता है। तो जो दोलक की लंबाई है वो किसका काम करती है, यहाँ पर आपकी त्रिज्या का, और उसके द्वारा काटा गया चाप चाप का ही काम करेगा वृत्त में, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनाया है वो आपका चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का काम करता है, यानी यहाँ पर हम चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या की जगह दोलक की लंबाई काम में ले लेते हैं, और कोण की जगह तो कोण ही रहता है। धन्यवाद।